नमस्कार, आई एम डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एट चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन दोसा। आज हम स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पार्ट टू। तो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने प्लस टू में किया है, जैसे कि आर वन चेंज टू आर वन प्लस टू आर, ठीक है, और जैसे आर वन इंटरचेंज टू आर टू, आर टू चेंज टू आर वन, ठीक है। इस टाइप से ये सारा किया है। अब इसको दूसरे तरीके से लिखने का मेथड है। पहले हम चेंज करते थे आर आई चेंज टू आर जे, आर जे चेंज टू आर आई, तो इसको अब कैसे लिखेंगे हम, आर आई कॉमा जे, ठीक है। उसके बाद आर आई चेंज टू आर आई प्लस के टाइम आर जे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज आर आई कॉमा जे इंटू में के, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये लिखते थे आर आई चेंज टू के टाइम आर आई, ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, आर आई के, ठीक है। अब जैसे रो में बताया है ऐसे ही बिल्कुल हम कॉलम में भी कर सकते हैं। देखो इनका यूज तो आपने सीखा है प्लस टू में, जैसे कि हमारे पास है वन थ्री वन टू 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 थ्री वन वन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर वन चेंज टू आर वन प्लस टू आर टू, तो देखो चेंज जिसको करना है आर वन में आर टू का टू टाइम, टू टाइम इसमें ऐड करेंगे, टू टाइम क्या हो गया सिक्स प्लस वन सेवन, टू इंटू टू फोर प्लस टू सिक्स, टू टाइम करेंगे दिस इज फाइव, और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस सबसे पहले मैं लिखता हूं रो इक्विवेलेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हमें ए गिवन है, वन 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 टू थ्री टू वन टू थ्री, ठीक है। अब हमने इसमें ऑपरेशन अप्लाई की आर वन चेंज टू आर वन प्लस थ्री आर टू, थ्री टाइम आर टू कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई है, नेक्स्ट ये यहां इक्विवेलेंट लिखेंगे और ये आ जाएगा थ्री टाइम करेंगे तो फोर, और ये इलेवन, और दिस इज सेवन, तो वन थ्री टू वन टू थ्री। इस मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स लिखें, तो जो ये अब हमारी बी मैट्रिक्स आई है ये एक रो ऑपरेशन का यूज किया है इसके लिए, तो हम बोलेंगे बी इज इक्विवेलेंट टू ए। अगर रो इक्विवेलेंट है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज रो इक्विवेलेंट टू ए, समझ में। देखो इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स थी हमारे पास उसमें हमने एक रो ऑपरेशन अप्लाई की, रो ऑपरेशन का यूज किया है, और फिर नेक्स्ट बी मैट्रिक्स आ गई है, तो अब ये बी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ए के, जब रो ऑपरेशन यूज की है तो इसको बोलेंगे दिस इज
रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करके जो नेक्स्ट मैट्रिक्स निकालेंगे दिस इज कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट में हम रो और कॉलम किसी भी ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, तब हमारे पास क्या आती है, दिस इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन अनअल्टर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, जो रैंक है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, दिस इज रो रो इक्लोन मैट्रिक्स। रो इक्लोन मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ए कोई भी एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, दिस इज कॉल्ड ए रो इक्लोन मैट्रिक्स इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है, द फर्स्ट नॉन जीरो जो एलिमेंट होगा इन ईच रो दिस इज यूनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग एंट्री। हर एक रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो हम क्या बनाएंगे, वन। सेकंड, ऑल द नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रो इफ एनी, अगर है तो। मतलब जो नॉन जीरो रो है वो पहले आएगी किससे, जीरो रो से। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो दिस इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रो, बाद वाली रो से। ठीक है, देखो क्या है, रो इक्लोन फॉर्म क्या होती है, मैं रिपीट कर देता हूं इसमें कि भाई सबसे पहले तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है ईच रो में वो क्या होगा, यूनिटी, और जो जीरो रो है वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, जीरो रो जो रो है वो सबसे लास्ट में होगी और नॉन जीरो रो है वो प्रिसीड द जीरो रोज, इसका मतलब जीरो रो से पहले हमारी नॉन जीरो रो जाएगी। ठीक है, और द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री से पहले जितनी जीरोज हैं
वो लेस रहेगी हमेशा सक्सीडिंग रो, बाद वाली रो की जीरो से, नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। देखो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5, 0, 1, 4, 0, 0, 1, ये एक रो इकलोन मैट्रिक्स है। कैसे? लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे सारे 0 या 1 है, फिर नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे 0, नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे 0। देखो लीडिंग एंट्री में 1 है, इससे पहले 1 0 है, तो बाद वाली जो सक्सेसिव है उसमें ज्यादा जीरोज मिलेंगे। ठीक है, ये है, तो दिस इज रो इक्लोन मैट्रिक्स। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन और कुछ मेथड और बताता हूँ। ये तो थी रो इक्लोन मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो रिड्यूस्ड इक्लोन मैट्रिक्स। रो इक्लोन मैट्रिक्स में तो क्या होता है, वन बनाते हैं, वन के नीचे जीरो, वन के नीचे जीरो, बट उसमें क्या बनाते हैं रो रिड्यूस्ड में, ये वन के नीचे जीरो है तो वन के ऊपर भी हम जीरोज बनाते हैं। जैसे वन के नीचे कुछ है नहीं तो वन के ऊपर भी हम क्या बना देंगे, जीरोज। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रो रिड्यूस्ड इक्लोन मैट्रिक्स। देखो इन ए रो इकलोन मैट्रिक्स, रो इकलोन तो होगी, मतलब वो थ्री कंडीशंस तो सेटिस्फाई करेंगी, जो ईच कॉलम विच कंटेन्स ए लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो हैज ऑल अदर एंट्री जीरो। रो इक्लोन मैट्रिक्स में ईच कॉलम विच कंटेन्स ए लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो हैज ऑल अदर एंट्री जीरो। ऑल अदर एंट्रीज क्या आ जाएंगी उसकी, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 2, 3 एंड 0। देखो पहले लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे 0, फिर नेक्स्ट लीडिंग एंट्री रो में 1 है, उसके नीचे भी 0 और उसके ऊपर भी 0, नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री यहां पर 1 है, उसके ऊपर भी 0, नीचे 0, ये सारी 0 हैं, 0 रोज नीचे आ जाते हैं। दिस इज रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही हम कॉलम इक्लोन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं और कॉलम रिड्यूस्ड इक्लोन मैट्रिक्स भी। ठीक है, वो खुद ट्राई करना आप। अब रो रैंक क्या होगा, रो इक्लोन फॉर्म आने के बाद, ये रो इक्लोन फॉर्म है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रो रैंक। रो रैंक क्या होता है, दी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दी रो इकलोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ए, दिस इज कॉल्ड दी रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे, भाई रैंक को तो हम लिखते हैं रो ऑफ ए, रो रैंक है तो नीचे आर लिख देंगे, और कॉलम रैंक है तो इसके नीचे सी का यूज कर लेंगे।
ठीक है। तो अब देखो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 337, 426, 112, 245। सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? रो रैंक निकालना है। पहले रो इक्लोन फॉर्म बनानी है। रो इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखो। अच्छा एक ये चीज ध्यान रखना, इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो R1 चेंज टू R3 और R3 चेंज टू R1, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाती है? 7625, 3214, 3412। ठीक है, अब पहले ऊपर वाला 1 बनाना होता है, तो अब R1 में से R1 चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस के R2 प्लस R3 कर दो, तो देखो ये क्या आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 7 माइनस 6 क्या आ गया? 1। 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0। 2 माइनस 2 क्या आ गया? 0। 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा? -1। 3 2 1 4, 3 4 1 2। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया आपका? 1। उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो चाहे, या फिर R2 चेंज टू R2 माइनस के R1, R3 टाइम R1, R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम R1, तो देखो क्या आ जाता है, दिस इज 100 माइनस 1, 3 टाइम गया तो 0, ये 2 रहेगा, ये 1 है, और 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ये 0, ये 4 और ये 1, और 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, इतना आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 1 बनाना है, ये इवन है तो 1 तो डायरेक्ट इससे ही बनेगा, R2 चेंज टू 1/2 R2। ठीक है, तो 100 माइनस 1, 01, 1/2, 7/2, 0415। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, 1 के नीचे 0 बनाना है, R3 चेंज टू R3 माइनस 4 टाइम R2, देखो 100 माइनस 1, 0 1 1/2, 7/2। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, 4 से करेंगे तो 2, 2 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 से करेंगे तो 14, ये आ जाएगा -9। तो अब R3 चेंज टू -1 टाइम R3, तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 100 माइनस 1, 0 1 1/2, 7/2, 0 0 1 एंड 9, ये आ जाती है रो इक्लोन फॉर्म। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, 3 नॉन जीरो रोज है, देयर फॉर रैंक, रो रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको हम रो रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन को ही ट्राई कर सकते हैं रो इक्लोन फॉर्म बना के, जैसे कि मैं 4 बाय 4 करवा देता हूँ, एक 4 बाय 4 का करते हैं। उसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज से नहीं कर सकते, फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी सोल्व करेंगे तो। देखो 3 माइनस 2 0 माइनस 1, 0 2 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 3 2, 0 1 2 1। अब इसमें रो रैंक निकालना है, तो पहले रो इक्लोन फॉर्म बनाएंगे,
तो देखो कैसे कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम लीडिंग एंट्री 1 बनाते हैं, तो क्या करेंगे, R1 चेंज टू R3, R3 चेंज टू R1, तो ये आ जाता है 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2, 0 2 2 1, 3 माइनस 2 0 माइनस 1, 0 1 2 1, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां 1 बन चुका है, अब नीचे 0 करना है, तो R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम R1, तो ये क्या बनता है देखो, 1 माइनस 2 माइनस 3 2, 0 2 2 1, 3 टाइम जाएगा तो 0, 3 टाइम हो गया माइनस 6, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 3 टाइम हो गया 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 9, 3 टाइम 6 दिस इज माइनस 7, और ये 1 2 1। अब फिर 1 बनाना है इसमें, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 चेंज टू R4, R4 चेंज टू R2, तो देखो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 3 2, 0 1 2 1, 0 4 9 माइनस 7, 0 2 2 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां 1 बन चुका है, अब हम करेंगे R3 चेंज टू R3 माइनस 4 टाइम R2, R4 चेंज टू R4 माइनस 2 टाइम R2, तो ये किसके इक्वल आ जाती है देखो, इक्विवेलेंट 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2, 0 1 2 1, अब ये 0, 4 टाइम्स सबट्रैक्ट करेंगे 0, 4 टाइम्स सबट्रैक्ट करेंगे 1, 4 टाइम्स सबट्रैक्ट करेंगे माइनस 11, ठीक है। अब 2 टाइम्स सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 2 टाइम्स सबट्रैक्ट किया माइनस 2 आ गया, 2 टाइम्स सबट्रैक्ट किया माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 ये अपने आप बन गया, तो इसको क्या करते हैं 0, तो ये करेंगे R4 चेंज टू R4 प्लस 2 टाइम R3, ठीक है। तो अब 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2, 0 1 2 1, 0 0 1 माइनस 11, ये 0 0 0, और इसका 2 टाइम इसमें ऐड किया था तो ये माइनस के 20। तो नेक्स्ट स्टेप में तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि R4 चेंज टू माइनस के 1 बाय 23 R4 करेंगे तो ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 2, 0 1 2 1, 0 0 1 माइनस 11, 0 0 0 1, तो ये आ गई है रो इक्लोन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसके इक्वल है, दिस इज 4, तो रैंक, रो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। और वैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो काफी लेंथी पड़ेगा। अब उसके बाद देखो रो रिड्यूस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसको हमें कॉलम इक्लोन फॉर्म में बतानी है और कॉलम रैंक, तो थर्ड का फर्स्ट कर लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 5 0 1, 3 1 माइनस 1, 14 2 2, 4 1 0। अब इसमें हमें कॉलम रैंक फाइंड आउट करना है, तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो किस टाइप से करेंगे, पहले तो लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, ये 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस का यूज करना है, C1 चेंज टू C1 माइनस C4,
अच्छा फाइव तो ये कैंसिल ही हो गया ना। देखो 5 माइनस 4 क्या आ गया है, 1। 0 माइनस 1 -1 और ये 1। 3 1 -1 14 2 2 4 1। अब लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है। अब 1 के नीचे नहीं, 1 के राइट साइड में सारे 0 करने हैं। देखो C2 चेंज टू C2 -3 C1, C3 चेंज टू C3 -14 टाइम्स C1, C4 चेंज टू C4 -K4 टाइम C1। तो देखो क्या आएगा, ये 1 -1 1, ये 0 ये 0 ये 0। अच्छा इसका 3 टाइम इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो 4, 3 टाइम यहाँ सबट्रैक्ट किया तो -4। अच्छा अब इसका 14 टाइम यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा दिस इज 16, 14 टाइम यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो -K12, 4 टाइम सबट्रैक्ट किया तो 5 और 4 टाइम सबट्रैक्ट किया तो -4, ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1 बनाना होता है सिर्फ कॉलम ऑपरेशन का यूज। तो C2 चेंज टू 1/4 टाइम C2 कर दो तो ये तो सिंपल हो जाएगा 1 -1 1, 0 1 -1, 0 16 -12, 0 5 -4। अब 1 बन चुका है। अब 1 के राइट साइड में हमें 0 करना है तो C3 चेंज टू C3 -16 टाइम C2, C4 चेंज टू C4 -5 टाइम C2। तो ये किसके इक्वलेंट आ जाती है, 1 -1 1, 0 1 -1, 0 ये 0, इसका 16 टाइम गया 0, 16 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4 और ये आ जाएगा 0 ये 0, 5 टाइम इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो C3 चेंज टू 1/4 टाइम C3 करें तो इससे क्या आ जाएगा, 1 -1 1, 0 1 -1, 0 0 1, 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो आपको अब दिखाई दे ही रहा है इसमें क्या करेंगे, C4 चेंज टू C4 -K C3। तो अब हमारे पास आ जाता है ये देखो, दिस इज रिक्वायर्ड कॉलम इक्लोन फॉर्म। कॉलम इक्लोन फॉर्म और नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स कितनी है हमारे पास, 3। तो इसका कॉलम रैंक कितना आ गया, 3 के इक्वल, तो ये आंसर आ गया है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.2 हम कंप्लीट कर लेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।